ओके डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 10। टॉपिक इज डीमैट अकाउंट। आज हम डिस्कस करेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और डीमैट अकाउंट को खोला कैसे जाता है, किसके साथ खोला जाता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। डीमैट अकाउंट मीन्स ए रिफर्स टू अकाउंट विच एन इंडियन सिटीजन मस्ट बी ओपन। ये कौन खोल सकता है? एक इंडियन सिटीजन खोल सकता है। किसके साथ मिलकर? एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ मिलकर। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन हो सकता है? बैंक हो सकता है, स्टॉक ब्रोकर भी हो सकता है। टू ए ट्रेड इन द लिस्टेड सिक्योरिटी, किसके लिए खोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब हम अपनी सिक्योरिटीज़ को लेन देन करते हैं उसके लिए हमें एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, जहाँ से हम लोग अपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज़ को सेव करके रखते हैं और उसी अकाउंट से हम लोग अपनी सिक्योरिटीज़ को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं जब हम बेचते हैं या उसे खरीदते हैं। अगर आप कोई चीज़ परचेस करते हैं तो उसी डीमैट अकाउंट में वो सिक्योरिटीज़ हमारी ट्रांसफ़र हो जाती है, और अगर हम कोई सिक्योरिटीज़ बेचते हैं तो उसी डीमैट अकाउंट से हमारी सिक्योरिटीज़ क्या हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में माइनस हो जाती हैं। अब बेनिफिट क्या होते हैं डीमैट अकाउंट के? पेपर वर्क मीन्स रिड्यूसिंग द पेपर वर्क। यहाँ पे पेपर वर्क क्या हो जाता है? कम कर दिया जाता है, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन क्या की जाती हैं? ऑनलाइन की जाती हैं। एलिमिनेशन द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एज अ लॉस, डेफ्ट, थेफ्ट और डिले। मीन्स जो ट्रांसफ़र में जो प्रॉब्लम आती है सिक्योरिटीज़ की, जैसे डिले होना, लॉस होना, चोरी होना, ये सारी चीज़ें हम लोग डीमैट अकाउंट ओपन करने से क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि एक क्लिक करने से सिक्योरिटी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्या हो जाती है? ट्रांसफ़र हो जाती है। एग्जम्पशन ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी विच ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। एग्जम्पशन मीन्स स्टैम्प ड्यूटी से आप एग्जम्प्ट हो जाते हैं जब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ और लॉट स्टैंड अबॉलिश्ड, पुराने मेथड्स को हम लोग अबॉलिश ख़त्म कर देते हैं, नए मेथड से सिक्योरिटीज़ का लेन देन कर रहे हैं। इंक्रीजिंग द लिक्विडिटी थ्रू द स्पीडी सेटलमेंट, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब आप सिक्योरिटीज़ बहुत जल्दी ट्रांसफ़र करते हैं, वैसे ही जो पैसा है वो भी बहुत जल्दी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो जो पैसे की डिले होती थी वो भी क्या होगी? ख़त्म होगी। मीन्स लिक्विडिटी बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो जाती है, आप पैसा बहुत जल्दी एक दूसरे के अकाउंट में सेटलमेंट कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोट होता है, जिससे सिंगल डीमैट अकाउंट होल्ड इन्वेस्टमेंट इन द बोथ इक्विटी एंड डेब्ट। एक ही अकाउंट से आप अपनी शेयर्स में भी डीलिंग कर सकते हैं, डेब्ट में भी डीलिंग, मीन्स शेयर्स भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और डिबेंचर्स में भी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। बॉन्ड्स जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, इनमें सभी में आप एक ही डीमैट अकाउंट से सारी डीलिंग कर सकते हैं। ट्रेड एंड कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हैं डीमैट अकाउंट से, ऑनलाइन है, आप घर बैठे। ऑटोमेटिक क्रेडिट इनटू द डीमैट अकाउंट फॉर शेयर्स एंड राइजिंग ऑफ बोनस, स्प्लिट, कंसोलिडेशन, मर्ज। मीन्स ऑटोमेटिकली आप क्रेडिट इनटू द डीमैट अकाउंट, ऑटोमेटिकली जब जैसे ही आप परचेस करते हैं आपके डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज़ क्या हो जाती हैं? ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी, बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती हैं, फिजिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि फिजिकल में बहुत टाइम लगता था, सर्टिफिकेट इशू में टाइम लगता था, मिस होने में चांसेस ज़्यादा थे। मीन्स यहाँ पे सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं, तो यहाँ पे ये जितनी भी पहले जो दिक्कतें आती थी हमारे ट्रेडिशनल मेथड में सिक्योरिटीज़ को लेन देन करने में, वो डीमैट अकाउंट ओपन होने से, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज़ का लेन देन होने से वो सारी प्रॉब्लम्स क्या हो गई हैं? ख़त्म हो गई। नेक्स्ट आ जाता है ओपन डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट ओपन कैसे किया जाएगा, खोला कैसे जाएगा? डीमैट अकाउंट इज़ ओपन ऑन द नेम ऑन द सेम लाइन दैट एज बैंक अकाउंट, वैसे ही खोलते हैं हम लोग जैसे एक बैंक अकाउंट में हमने अपना अकाउंट। प्रिस्क्राइब अकाउंट ओपन फ्रॉम अवेलेबल विद अ डीपी, डीपीएस के साथ होना जरूरी, मीन्स डिपार्टमेंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का होना क्या है जरूरी, उसी के साथ मिलके आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। नीड टू फाइलिंग ए स्टैंडर्ड एग्रीमेंट, एक फॉर्म फिल करके बाई क्लाइंट एंड विच डिटेल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बोथ पार्टीज अलॉन्ग विद द फॉर्म। द क्लाइंट इज रिक्वायर्ड टू अट्रैक्ट फोटो, अटेस्टेड कॉपीज, रेजिडेंस प्रूफ एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नीड टू बी सबमिटेड। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए एक व्यक्ति इन्वेस्टर का होना जरूरी है जो डीलिंग करेगा उसमें, दूसरा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होना जरूरी है, तीसरा सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी एक डीमैट अकाउंट खोलने के लिए उन्हें चाहिए सारी चीज़ें उनके पास होनी चाहिए, तभी आप एक डीमैट अकाउंट अपना खोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी का सिक्योरिटीज़ के लेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये वो संस्था है जो हमारी सिक्योरिटीज़ को लेन देन को सेफली करवाती है, जो प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स फॉर एंड डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट भी कराती है। सो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट इन 12 अप्रैल 1988। इसका जो गठन किया गया, जो ओपन किया गया इस सेबी को, वो किया गया 1988
एंड इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्थी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटी, मीन्स सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन दी जा सके, उनके साथ धोखाधड़ी ना हो, माल प्रैक्टिसेस ना हो, प्राइस रिगिंग ना हो, इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए क्या है सेबी का गठन किया गया, जो कि सबसे ज़्यादा जो फायदा किसको हुआ इसका, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए उन्हें फ़ायदा हुआ। इट वॉज गिविंग ए स्टेटरी स्टेटस ऑन 30 जनवरी 2019, मीन्स अपनी ये होंद में कब आया, मीन्स एक्चुअल जो इसका जो गठन किया गया, एक्चुअल जो जो अपने नाम से जब ये आया 1992 में, थ्रो एन ऑर्डरेंस विद ए लेटर रिप्लेस बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एज सेबी एक्ट 1992 में जब एक पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन होना चाहिए जो कि सिक्योरिटीज़ के लेन देन को क्या कर सके, सेफ कर सके, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर सके। इट सेफ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर एंड द सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़, चाहे वो नई सिक्योरिटीज़ में लेन देन करें या सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ में लेन देन करें। सेबी का जो मेन मकसद क्या था कि इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है, उनका हक है, उनको उनको सेफ रखा जाए, उनके साथ धोखाधड़ी ना हो। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेबी। सेबी के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज, मेक टू प्रमोट द ऑर्डरली फंक्शनिंग, मीन्स सारी चीज़ें जितनी भी ट्रांजेक्शन हो वहाँ पे सेफ होनी चाहिए, लेन देन को प्रमोट करना और ज़्यादा लोगों को ये विश्वास दिलाना कि आपका पैसा क्या है, सेफ है, आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, उन चीज़ों को प्रमोट करवाना सेबी का मेन मकसद। टू प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड टू गाइड एंड एजुकेट देम, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उन्हें गाइड करना और ये बताना कि सिक्योरिटीज़ को आप कब खरीदेंगे, किस सिक्योरिटी में आपको पैसा लगाना चाहिए और किस समय आपको सेल करनी चाहिए, किस समय आपको परचेस करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी आपको कौन बताता है, सेबी ही गाइड करता है। टू प्रोटेक्ट द ट्रेड मार्केट सच एज इंटरनल ट्रेडिंग, इंटरनल ट्रेडिंग से बचाने के लिए भी सेबी प्रोटेक्ट करता है कंपनीज़ को और इन्वेस्टर्स को। इंटरनल ट्रेडिंग क्या होता है? इन ट्रेडिंग मीन्स कंपनी के ही कुछ व्यक्ति कंपनी के साथ कंपनी की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स मान लीजिए किसी कंपनी ने इन फ्यूचर बोनस शेयर इशू करने हैं और किसी डायरेक्टर को पहले ही पता है और उसने क्या किया, खुद यहाँ अपने किसी रिलेटिव को वो शेयर्स कंपनी के क्या कर दिए, परचेस करवा दिए, क्योंकि उन्हें पता था इन फ्यूचर कंपनी क्या करेगी, बोनस शेयर इशू करेगी और बोनस शेयर इशू जो होते हैं वो विदाउट मनी होते हैं, मीन्स फ्री में होते हैं, जिसका डायरेक्टली बेनिफिट उस बंदे को होगा। सो इंटरनल ट्रेडिंग को रोकने के लिए भी सेबी बहुत बड़ा कदम उठाया जिसे इंटरनल ट्रेडिंग के ऊपर एक्शन लिया जा सके। टू रेगुलेट एंड डेवलप ए कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए, फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडिएट्स लाइक ब्रोकरस, मर्चेंट, बैंकर्स, मीन्स जो बीच में जो बिचौलिए थे उनके द्वारा भी कई बार इन्वेस्टर्स को क्या किया जाता, धोखा किया जाता था, कम रेट पे, लेस प्राइस पे शेयर सिक्योरिटीज़ को खरीद के हाइयर प्राइसेस पे जो इन्वेस्टर्स को बेचे जाते हैं, इन सारी प्रैक्टिसेस को भी सेबी क्या करता है, रोकता है। फंक्शन ऑफ सेबी, अब सेबी के फंक्शन कौन से हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड डेवलपमेंट फंक्शन। थर्ड आता है रेगुलेशन फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या आता है कि आप प्रोहिबिटेड फ्रॉडलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना, सेकेंडरी मार्केट में प्राइस ज़्यादा कम ना होना, अपनी मर्जी से कम ज़्यादा ना कर देना, प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइड ट्रेडिंग को रोकना, एजुकेट करना इन्वेस्टर्स को, बताना कि आपने कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने हैं, किस समय आपको सिक्योरिटीज़ को खरीदना चाहिए, किस समय आपको बेचना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन देता था, सेबी करता था, जिससे कि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करना किसको था, इन्वेस्टर को, ताकि उनके हितों की क्या किया जा सके, रक्षा की जा सके, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, ताकि जो नेक्स्ट जो इन्वेस्टर नए इन्वेस्टर हैं वो ईजिली बिना किसी झिझक के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं डेवलपमेंट फंक्शन है कुछ, ट्रेनिंग देना प्रमोटर इंटरमीडिएट्स को सिक्योरिटीज़ के लेन देन में, इन्वेस्टर्स को एडुकेट करना, फेयर प्रैक्टिसेस को कोड ऑफ कंडक्ट के तहत फॉलो कराना, रिसर्च करना, पब्लिक इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मीन्स लोगों को जागरूक करना, उनको अवेयर करना, रिसर्च करते रहना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना आम पब्लिक को, जिससे कि लोग स्टॉक मार्केट में इजीली क्या है विश्वास करें और पैसा लगा सकें और जो अपने आप को क्या समझे, सेफ समझे। नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेशन फंक्शन। रेगुलेशन फंक्शन में क्या आता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर एंड सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट, रजिस्टर्ड कलेक्टिव इंफॉर्मेशन स्कीम एंड म्यूचुअल फंड्स, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक बैंकर्स पोर्टफोलियो एक्सचेंज एंड मर्चेंट बैंकर्स, मीन्स रेगुलेशन में सभी जितने भी आप ब्रोकर्स हैं उसमें उनको सबको रजिस्टर्ड कराना, सिक्योरिटीज़ का रजिस्ट्रेशन कराना,
मीन्स और स्टॉक एक्सचेंज के जो बैंकर्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी डीप पार्टिसिपेंट्स को भी क्या करना, सबको रजिस्टर्ड कराना, ताकि स्मूथली वर्क कर सकें हम लोग इसका, सेबी का, तो सेबी स्टॉक एक्सचेंज का सॉरी, तो सेबी के तीन फंक्शन है, प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन एंड रेगुलेशन फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी फिनिश दिस चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।